MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 39। तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर एक सड़क हादसे में कैसे तब्दील हो जाते हैं देखते ही देखते, और उसमें कई लोग सवार हादसे के शिकार भी हो जाते हैं, यह बात शायद किसी से छुपी नहीं है। दरअसल यह खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के गड़ाकोटा से जुड़ी है, जहां पर पचारा पिपरिया रोड पर अनियंत्रित कार की लापरवाही से एक बाइक सवार को टक्कर लग गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे चोटें आई। आनन फानन में उसे गड़ाकोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पचारा पिपरिया के रहने वाले गणेश लड़िया के रूप में की गई है, जो मजदूरी का काम करता था। वह वापस अपने घर लौट कर आ रहा था, जहां पर वह हादसे का शिकार हो गया। वहीं इसको लेकर गड़ाकोटा के थानेदार रजनीकांत दुबे कहते हैं कि दो वाहनों की टक्कर हुई है, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। कार चालक पर वैधानिक तरीके से कार्रवाई भी की जाएगी। नीलेश दुबे, खबर एक्सप्रेस न्यूज, गड़ाकोटा। सर, आज कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बाइक सवार की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, क्या हुआ? गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पचारा पिपरिया रोड पर एक कार और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इसमें बाइक सवार जो है काम करके वापस अपने घर जा रहा था, तभी सामने से जो कार थी उसके चालक ने तेजी और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए टक्कर मार दी, जिस पर मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई थी, जिसमें उसमें बाइक सवार को उठा के इलाज हेतु साथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए हैं गड़ाकोटा में, जहाँ उसका मृत घोषित किया गया है, और जो कार थी उसको अभिरक्षा में ले लिया गया है, इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91 31 25 97 36।